नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर एंड IIT कानपुर साइंड MOU फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल। MOU वॉज साइंड प्रेजेंस ऑफ IIT डायरेक्टर प्रोफेसर मुनिंदर अग्रवाल, NSI डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मिश्रा पर हुआ एंड स्टीम प्रेजेंस ऑफ मिस्टर अश्विनी श्रीवास्तव, ज्वाइंट सेक्रेटरी शुगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, joint project to enhance the effectiveness and sustainability of biofuel in India. The collaborating research themes and project area: biofuels, ethanol and methanol, bioenergy, bio-CNG, aviation fuel and green hydrogen for biomass. NSI director Dr. Seema Mishra Parohwa said, "We are working for E100. During the MOU, signed person from IIT Kanpur, Professor Rajiv Jindal, Professor Devo Pam Das, Dr. Raju Gupta, and from NSI, Mr. Vinay Kumar, Mr. Anup Kumar Kanojia, and Dr. R. Anantalakshmi. Report from Dr. K. M. Tripathi, Bureau Chief, Kanpur. We are here, we'll combine, both the strengths will combine together and create a state of art, center of biofuel, and I'm sure का एम ओ यू हुआ है NSI और IIT कानपुर के बीच में। तो इसका उद्देश्य है कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन बायोफ्यूल्स बनाया जाए, जिसमें कि दोनों मिलकर बायोफ्यूल्स की अगली जनरेशन में क्या किस प्रकार के फ्यूल्स आ सकते हैं, उनका आविष्कार करके उनको इस स्थिति तक लाएं जिससे कि सब जगह प्रयोग हो सके। NSI की अपने टेक्नोलॉजी जो देख के उसको डेवलप करके उसको टेस्टिंग करके डिप्लॉयमेंट तक ले जाने की अपनी बहुत एक्सपर्टीज है। IIT कानपुर फंडामेंटल रिसर्च के लिए, बेसिक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो जब ये दोनों पक्ष आपस में मिल के काम करेंगे तो उससे हम लोग क्या आशा ये है कि पूरा हम स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का, साइंस से लेके अंत तक जो यूज़र है उसके पास जो प्रयोग होता है वो पूरा कवर कर पाएंगे। डेवलपमेंट के लिए और सबने गैस के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं बताई कि इतने टन हमारे पास कंज्यूम कर सकते हैं आने वाले समय में, या टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर सकते हैं इस पर। क्योंकि अभी हम जो गाड़ियों में पेट्रोल यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल होता है, और इसमें अभी आप देखते हैं हम लोग एथेनॉल मिलाते हैं जो बायोफ्यूल है। अभी हमारे देश में 12% बायोफ्यूल मिलाया जा रहा है, और जितना हम एथेनॉल मिलाते हैं उतना ही पेट्रोल का प्रयोग कम है, यानी हमारा इम्पोर्ट कम करना होता है हमें, और फॉसिल फ्यूल की जगह बायोफ्यूल प्रयोग जो होता है उससे पर्यावरण का प्रदूषण कम होता है, कार्बन उत्सर्जन कम होते हैं। तो जो हमारा टारगेट इसको बढ़ाकर अभी 20% तक है करना है अगले साल तक, यानी 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा। हमारी जो आयात पर निर्भरता है विदेशों से वो कम होगी। इसको और आगे ले जाने के लिए दूसरा इसका है, जो इसी से हमारे जो चीनी मिले हैं उनमें कंप्रेस्ड बायोगैस का भी उत्पादन हो सकता है, उस पर अब काम चल रहा है, और वो CBG जो अभी CNG है उसमें मिलाकर जो गैस बेस्ड व्हीकल है उनमें चलाई जाएगी। अगला कदम है जो टेक्नोलॉजी में, उसमें हम E100 की ओर बढ़ना है, जिसमें फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल आएंगे जिसमें पूरा 100% एथेनॉल प्रयोग होगा। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए बड़े स्तर पर इतने बड़े संस्थान IIT कानपुर के साथ ये MOU किया गया है, ताकि जो शक्कर और गन्ना के क्षेत्र में काम कर रही हमारी, इससे जो एथेनॉल के प्रोडक्शन के आगे के जो रास्ते हैं वो खुलें, और टेक्नोलॉजी का, जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एडवांस लेवल पर रिसर्च हो सके। सर, ये जो MOU सिग्नेचर हुए इससे पहले इतने समय बात क्यों हुए, इससे पहले क्यों नहीं हुए, इतने दिन तक क्या इंतजार करते रहे? ये हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो बायोफ्यूल है उस पर एडवांस रिसर्च करें, और तब उसके लिए हम एक्सपर्टाइज के लिए, हमारे पास इससे अच्छा विकल्प नहीं था कि हमारे पड़ोस में
इतना बड़ा और प्रेस्टिजियस संस्थान उपलब्ध है और इसमें डायरेक्टर सर ने अपनी टीम के साथ आगे आकर सपोर्ट करके इसको अब स्थापित करवाया है। इसकी यही फंक्शन करेगा इसी कैंपस में और इसमें बायोफ्यूल पर एडवांस रिसर्च और नई चीज़ें लाने का, जैसे कि डायरेक्टर सर ने बताया, लाने की कोशिश रहेगी। सर, ये एक बहुत बड़ा बजट है, इसके लिए सरकार ने आवंटित किया है, इस तरीके के पर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में डायरेक्टर अब किस इस सिग्नेचर को किस रूप में करके उसकी कॉस्ट कटिंग क्या क्या होना चाहिए, क्या होता है, उतना इकोनॉमिक वाइबल है कि नहीं है, वो सब स्टडी करेंगे और डीप रिसर्च करेंगे। मतलब एक एक उससे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि ऐसे तो सीएनजी बन जाती है पर उसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे निकलते हैं, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, वो फार्मर्स के लिए कैसे काम में आएगा, उसका क्या कॉस्ट होगा, उसका इक्विपमेंट पे, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब डिटेल स्टडी जब तक पायलट प्लांट और नहीं होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि कई उसमें चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने बताया हाइड्रोजन पे भी हमको काम करना है, अदर एविएशन फ्यूल पे करना है, लिग्नोसेलुलोसिक इथेनॉल, क्योंकि 100 जैसे सर ने बताया 100 पे जाना है तो शुगर डोंट बी मतलब सफिशिएंट, उससे हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये अदर विकल्प तो देखने ही पड़ेंगे। तो उसमें हम सहयोग लेंगे IIT का और वो एक्सपर्टीज हमें मालूम है IIT की, हमने हर बार देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में हैं और अब हमें मौका मिला है साथ में काम करने का। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू डायरेक्टर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर। थैंक यू।